भारत के 5 फेमस डांसर जिनके डांस के सामने माइकल जैक्सन भी छोटू सा बच्चा है। नंबर 1, नोरा फतेही। बेली डांस का तड़का लगाने वाली नोरा फतेही आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। नोरा अपनी सुंदरता और डांस के लिए जानी जाती है। अगर किसी भी फिल्म में डांस का तड़का लगाना हो तो सबसे पहले यह नोरा फतेही को याद किया जाता है। अपने आइटम सॉन्ग के लिए नोरा फतेही बहुत ही फेमस है और उनका जो डांस का अंदाज है उसके तो कहने ही क्या। नूरानी चेहरा, फ्लेक्सिबल बॉडी और परफेक्ट डांसिंग का कॉम्बिनेशन नोरा फतेही को सभी की पहली पसंद बना देता है। नोरा एक प्रो बेली डांसर है। हाय गर्मी, साकी साकी और दिलबर दिलबर जैसे गानों में अपनी बेली डांसिंग का तड़का लगाने वाली नोरा फतेही ने ही इन गानों को सुपरहिट करवाया था। कनाडा की रहने वाली नोरा फतेही को पॉपुलैरिटी एक तेलुगु फिल्मों में आइटम डांस करके मिली। उसके बाद नोरा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नंबर 2, शक्ति मोहन। दोस्तों, शक्ति मोहन ने अपने करियर की शुरुआत साल 2009 में की थी। आपको बता दें कि शक्ति मोहन जितनी अच्छी डांसर है उतनी ही खूबसूरत भी है। शक्ति मोहन को भारत की यंग और टैलेंटेड फीमेल डांसर माना जाता है। शक्ति मोहन एक ट्रेंड कंटेम्प्रेरी डांसर है जिन्होंने डांस इंडिया डांस के सीजन 2 से अपने करियर की शुरुआत की थी। बचपन से ही डांस का हुनर इनकी नसों में थिरकता था। वैसे आपको बता दें कि डांसर बनने से पहले शक्ति आईएएस की तैयारी कर रही थी, लेकिन जब इन्हें अपना हुनर दिखाने का मौका मिला तो इन्होंने मौका नहीं छोड़ा और पूरी दुनिया को अपने हुनर से चौंका दिया। अपनी मेहनत और हुनर के दम पर शक्ति मोहन ने न सिर्फ लोगों को आकर्षित किया बल्कि सीजन की विनर भी बनी। उसके बाद तो शक्ति ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई। प्रीतम प्यारे गाने पर डांस परफॉर्मेंस से लेकर पद्मावती फिल्म के नैनो वाले ने गाने की कोरियोग्राफी तक का शक्ति मोहन का सफर काफी सुनहरा रहा है। आज शक्ति डांस प्लस जैसे कई रियलिटी शो में मेंटर बनकर नए टैलेंट को गाइड करती नजर आती है। नंबर 3, माधुरी दीक्षित। भारत के सबसे मशहूर डांसर में से एक माधुरी दीक्षित को लोग धक धक गर्ल के नाम से भी जानते हैं। पूरे भारत के दिलों पर राज करने वाली माधुरी दीक्षित चाहे भले ही आज फिल्मों से दूर हो गई हैं, लेकिन उनके डांस मूव्स और एक्सप्रेशंस आज भी लोगों को उनका दीवाना बना देते हैं। 90 के दशक में माधुरी दीक्षित इकलौती ऐसी कलाकार थी जिन्हें डांसर की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाता था। डोला रे डोला, धक धक, चोली के पीछे क्या है, आजा नचले, 1, 2, 3 जैसे सुपरहिट गाने देने वाली माधुरी दीक्षित का डांस देखते ही बनता है। नंबर 4, ऋतिक रोशन। बॉलीवुड में एक्टिंग से धूम मचाने वाले ऋतिक रोशन भारत के सबसे लोकप्रिय और दुनिया के टॉप हैंडसम सेलिब्रिटी में से एक है। ऋतिक रोशन अपनी एक्टिंग के लिए ही नहीं बल्कि अपने डांस के लिए भी मशहूर है। ऋतिक के सभी गानों में कोई एक ऐसा हुक स्टेप जरूर होता है जो कि फेमस हो जाता है और वही उनकी पहचान भी बन जाता है। बहुत से ऐसे कलाकार भी हैं जो कि ऋतिक को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। यही वजह है कि ऋतिक रोशन बॉलीवुड के टॉप एक्टर और डांसर हैं। नंबर 5, प्रभु देवा। प्रभु देवा को वर्ल्ड का नंबर 1 डांसर माना जाता है। बतौर बैकग्राउंड डांसर से अपने करियर शुरू करने वाले प्रभु देवा इकलौते ऐसे डांसर हैं जिन्होंने साउथ से लेकर नॉर्थ तक सभी को अपने डांस का लोहा मनवाया है। लीजेंडरी डांसर प्रभु देवा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने डांस के लिए मशहूर हैं। प्रभु देवा को भारत का माइकल जैक्सन भी कहा जाता है। प्रभु देवा ने न सिर्फ हिंदी फिल्मों के लिए बल्कि तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी कई गानों को कोरियोग्राफ किया है। काफी छोटी उम्र से ही प्रभु देवा ने डांस सीखना शुरू कर दिया था और उनका डांस को लेकर जुनून इतना ज्यादा था कि आज दुनिया के फेमस डांसर बन चुके हैं। उर्वशी और मुकाबला जैसे गानों पर अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी से जो इन्होंने डांस किया था पूरे भारत को दीवाना बना दिया था। उनका वही जादू आज भी लोगों पर छाया हुआ है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप भी प्रभु देवा के फैन हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें।